सब उनको जय यीशु। क्रिस्त प्यारे भाइयों बहनों, आज राख बुध है। आज से हम चालीसा काल आरंभ कर रहे हैं। यह चालीसा काल हम सभी ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम यह कह सकते हैं यह पुण्य कमाने का सबसे बढ़िया अवसर है और सबसे बढ़िया समय है। 40 दिनों तक हम अपने मन और दिल को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए त्याग, तपस्या, उपवास एवं परहेज करते हैं। अपने पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन को गहराई से टटोल कर मनन चिंतन करते हैं। अतः अवश्य ही यह समय बहुत ही अनमोल समय है, पवित्र समय है, क्योंकि हम अपने जीवन में पवित्रता की खोज करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिकता की खोज करते हैं, जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत बनाता है और हम ईश्वर के साथ टूटे हुए रिश्तों को मजबूती के साथ जोड़ते हैं। आज का पहला पाठ नबी योवेल के ग्रंथ से लिया गया है। अगर हम उसको अच्छी तरह से पढ़ें, गहराई से देखें, जहां प्रभु का वचन कहता है, अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। सचमुच में यही पश्चाताप हमें अनंत जीवन के लिए मार्ग तैयार करता है। वो हमें स्वर्ग राज्य की ओर ले जाता है। किसी ने सच कहा है, मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है दूसरों की गलतियों को भूलना और दूसरा अपने अंदर अच्छाई लाना। आध्यात्मिक जीवन हमें दुनिया से दूर नहीं करता है बल्कि हमें और गहराई तक ले जाता है। ये हमें अंदर की जो भावनाएं हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं, उसको जानने के लिए मदद करता है। और जब एक व्यक्ति जीवन की पूर्णता के अर्थ को समझ लेता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा जीवन इस दुनिया में क्यों है, तब वह इस बात से परिचित हो जाता है कि उसके हाथों में केवल इसका आज है। इसलिए वह सारे हृदय से पश्चाताप करता है और वह इस उपयुक्त समय का सही लाभ उठा पाता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र हमें इसी उपयुक्त समय का लाभ उठाने के लिए आह्वान कर रहा है। वह हमें ईश्वर से मेल करने के लिए आह्वान करते हैं। आज हमारे कपाल में राख का जो लेप लगाया जाता है और वह हमें यह याद दिलाता है कि हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। जब कभी भी हम किसी के बरियल में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम सिर्फ 3 मुट्ठा मिट्टी ही तो देते हैं। कोई पूरा भर के देता है, कोई आधा देता है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार मिट्टी में मिल जाने के बाद हमारा लोगों के प्रति नजरिया और उनके प्रति जो प्यार होना चाहिए वो कितना गहरा होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारा शारीरिक जीवन का अंत हो जाता है और हमारी आत्मा अनंत जीवन की ओर अग्रसित हो जाती है। हम प्रभु के पास चले जाते हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं तो प्रभु के पास जाते हैं, अब बुरे कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हम स्वर्गाग्नि में अपने आप को शुद्ध करते हैं प्रार्थना के द्वारा, जो अपने लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु येसु ख्रिस्त हम सभी मानव जाति को पिता ईश्वर के साथ मेल कराने के लिए इस संसार में आए। इस संसार की मोह माया से विजय पाकर शैतान को पराजित कर दिया। 40 दिन तक खूब लड़ाई किया, प्रार्थना किया, शैतान भी खूब कोशिश किया उसको हराने के लिए, लेकिन प्रभु हिम्मत नहीं हारे। घुटने टेक कर, हाथ ऊपर उठाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, उनसे शक्ति मांगा और वही शक्ति के कारण ही उस शैतान को हरा पाया, उनकी विजय हो पाई। इस तरह हमें भी इस 40 दिनों के अंदर हमें
जो प्रार्थना, त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज करना है, बुरी आदतों को हमें छोड़ना है, आज प्रभु इन्हीं चीजों को करने के लिए हमें आह्वान कर रहे हैं। किसी ने सच कहा है, हम कहावत बहुत सुनते हैं, पंछी के पानी पीने से नदियों का पानी खत्म नहीं होता, कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार दान देने से धन नहीं घटता है, लेकिन हम इस रहस्य को समझने में बहुत समय लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। जरूरतमंद को दान देना सबसे बड़ा धर्म होता है, प्यार मोहब्बत से जीना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो दान कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी धन के चौकीदार हैं। चौकीदार का काम क्या है? उसकी रक्षा करना। और जो सारा जीवन उसी धन की रक्षा करते करते अपना जीवन क्या करता है? समाप्त कर बैठता है। इसीलिए प्रभु धनी व्यक्ति से सही सवाल जवाब देता है। प्रभु कहता है धन बांटने के लिए, वो कहता है तुम अपना सारा धन जाकर के बांट दो। और वो धनी धनवान था, वो व्यक्ति जो था वो धनवान था, इसीलिए वो वहां से दूर हट जाता है। हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम स्वर्ग राज में अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। यही तो चालीसा काल में करना है, एक अवसर, सुनहरा अवसर है। इस तरह देखा जाए तो पूरा चालीसा काल अच्छे कर्मों को धरातल पर लागू करने का समय है, अपने प्रेम के द्वारा टूटे हुए दिलों को जोड़ने का समय है, प्रभु के मार्ग से भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाने का समय है। इस तरह के भले कार्य के द्वारा चालीसा काल का संपूर्ण लाभ हम उठा सकते हैं। तो आइए आज हम आज के वचनों को अपने हृदय में संजो कर रखें, हम नहीं भूलें, हम बार बार मनन चित्र करें कि प्रभु हमें क्या कहना चाहते हैं, हमसे क्या करवाना चाहते हैं। इस पर हम गहराई से मनन चित्र करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तपस्या के द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और त्याग करने का मतलब दूसरों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना, तथा परहेज का मतलब संयमता बरतना। अतः हम अपनी प्रार्थना, त्याग, तपस्या, उपवास और परहेज के द्वारा इस उपयुक्त समय का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। हो सकता है हमें अगले बार मौका ना मिले, कौन जानता है। हम इन दिनों देखते ही हैं किस प्रकार से प्राकृतिक समस्याएं हैं, भूकंप आता है, सुनामी आता है, और ना जाने क्या ना क्या हमारे जीवन में आ सकता है, हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम ये समझें कि ये 40 दिन ही मेरा आखिरी साल है जहां हमें अपने आप को बदलना है, प्रभु के पास आना है, और इस कार्य को करने के लिए हमें प्रभु की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। उसके बिना तो हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, हम ये कार्य कर नहीं सकते हैं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बल और शक्ति मांगें, ताकि हमें वो शक्ति परिपूर्णता, वो शक्ति हमें बल प्रदान करे, उस शक्ति के द्वारा हम इन सभी शैतानी शक्तियों का सामना कर सकें, और हम सचमुच में इस चालीसा काल का जो मुख्य मतलब जो है उसको हम पूरा कर सकें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें, हम कृपा प्रदान करें। आमीन।